Guys, welcome back to my channel, Isha Mehra this side. आज आपकी ईशा लेकर आई है फुल बॉडी वर्कआउट जिसमें कि हम अपने पैरों से लेकर सर तक की सारी मसल्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करने वाले हैं, क्योंकि हम हेल्दी चीजें खाते हैं उसके बाद भी हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है। उसके पीछे के तीन रीजन है। वीडियो के एंड में बताऊंगी कि क्या रीजन होता है कि हम अपनी बॉडी वेट को मेंटेन नहीं कर पाते और दोबारा से हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है, हेल्दी चीजें खाने के बाद भी हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते, है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। तो इसको हम लास्ट में, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिनको आपको फॉलो करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से पीठ के बल मैट पे लेट जाना है। अब मैट पे लेटने के बाद हमें क्या करना है, अपनी दोनों लेग्स को इस तरीके से अप करना है, ठीक है। उसके बाद हमें वन बाय वन इस तरीके से डाउन लेके जाना है, देन अप देन डाउन। जब हम डाउन लेके जा रहे हैं तो आपने 10 सेकंड्स को होल्ड करना है। 10 सेकंड जब आप होल्ड करेंगे, मैं बता देती हूँ पहले, जब आपने 10 सेकंड होल्ड करा, आपकी एक लेग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है और एक लेग आपकी अप है, तो आप अपने नोटिस करना कि आपके कोर मसल में यानी आपके पेट में आपको प्रॉपर खिंचाव फील होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा खासा खिंचाव फील होगा। तो बेसिकली जब हमारी मसल खिंचती है तो जो हमारा ढीलापन है, सैगीनेस है पेट की, या जो फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। चलिए 20 बार हम इसे करेंगे और इसके करेंगे हम सिर्फ 2 सेट्स। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपने दोनों हैंड्स को इस तरीके से बैक साइड पे प्लेस करना है, ठीक है। आप बॉडी का पोजीशन देख रहे हो ना, सेम एज ही करना है, ठीक है। उसके बाद में अब आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है और अपने टोज को टच करना है। कंफ्यूज मत होइए, मुझे देख लेते हैं। फिर डाउन जाएंगे, देन अदर साइड। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। बारी आती हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसमें हमें पहले स्क्वाट पोजीशन में आना है, देन उसके बाद वन टो को टच करना है। अगेन हमें स्ट्रेट होना है, फिर स्क्वाट पोजीशन में आना है, फिर अदर टो को टच करना है। किस तरीके से देख लीजिए, दोनों पैरों के बीच में हमें शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है, डाउन जाना है, टो टच, अगेन डाउन, टो टच, 20 टाइम्स, 2 सेट। ओके, रिलैक्स। यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। गाइस, आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अब बारी आ जाती है इंपॉर्टेंट टिप्स की।
फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको सर्दी हो या गर्मी, आपको लुकवॉर्म वाटर पीना है। कोशिश करें कि दिन में गर्मी का मौसम है तो आप गुनगुना पानी कम से कम 4 ग्लास पिए। 4 ग्लास कब पीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको 2 ग्लास गर्म पानी तो पी लेना है। अगर चाय की तरह पियेंगे तो इससे ऐसा कुछ बेहतर हो नहीं सकता। उसके बाद जब आपने लंच कर लिया, लंच के 1 घंटे बाद आपको फिर से 1 ग्लास पानी पीना है, उससे पहले नहीं, बिल्कुल गर्म हो सके तो। गर्म नहीं पी सकते, गर्मी के मौसम में पसीने आ रहे हैं, बॉडी वार्म हो रही है, तो लुकवार्म पिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको 1 ग्लास कब पीना है, रात का डिनर आपने करा उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आपको दोबारा से गर्म पानी पीकर सो जाना है। तो ये जो 4 ग्लास है ना, ये आपने सर्दी के मौसम में भी और गर्मी के मौसम में भी इस चीज को मेंटेन करना है। टिप नंबर 2, वेट लूज तो हो गया लेकिन मेंटेन नहीं हो पाता। मेंटेन कैसे होगा, क्योंकि हम अपनी डाइट को बढ़ा लेते हैं। 1 महीना आपको टारगेट मिला कि मुझे लूज करना है, उसके बाद दोबारा से आप उसी खाने पीने पर आ जाते हैं। आपकी बॉडी को पचाने के लिए टाइम चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, ठीक है। जब आप घर का कोई काम करते हैं तो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है ना, वैसे ही हम जो खाना खा रहे हैं उसको पचने का टाइम हम देते नहीं है। तो बेसिकली जो आपका डिनर है, आप पूरा दिन जो मर्जी खाएं, बाहर का नहीं, हेल्दी चीजें खाएं, लेकिन जो डिनर है वो आपने 7 से 8 के बीच में कर लेना है। अब आपके सो कॉल्ड एक्सक्यूजेस होंगे, हमारा जॉब है, हमारा फलाना ढिमकाना है, हम डिनर लेट करते हैं। ओके, डिनर लेट करते हैं तो रोटी चावल अवॉइड करें। देखिए, अगर टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो बॉडी फैट तो आपका बढ़ेगा ही, टेस्ट को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजें अपनी जबान की जो हमारी लत है उनको छोड़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपका टारगेट आपको अचीव मिल जाएगा। पतली पतली दाल खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, ये सबसे बेटर ऑप्शन है, लेकिन रोटी और चावल अगर आप 8 बजे के बाद डिनर कर रहे हैं तो प्लीज अवॉइड करें। टिप नंबर 3 ये है कि अपनी डाइट में जितना हो सके प्रोटीन इनटेक करें। प्रोटीन के लिए हमें सप्लीमेंट्स पे जाने की जरूरत नहीं, दालें हैं, पालक है, हरी सब्जियां हैं, इन सब में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो इन सब चीजों को जरूर इंक्लूड करें, ठीक है। और ऐसी अपनी ईशा को बहुत सारा प्यार देते रहें, प्यार देने के लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आए ईशा मेहरा। मिलते हैं कल कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। गुड लक।